अपने प्रदेश झारखंड में प्याज में लगने वाले कुछ प्रमुख कीट हैं थ्रिप्स, माइट्स तथा मैगट। इसी तरह से यहाँ इनमें कुछ बीमारियां भी लगती हैं, जैसे बैंगनी धब्बा तथा अंगमारी। और जहाँ तक प्याज में जो कीट व्याधि लगते हैं, इसमें मुख्यतः हमारे राज्य में तीन तरह के कीड़े लगते हैं। जो सबसे नुकसान देने वाला कीड़ा है, एक थ्रिप्स है, जो कि पत्तियों से रस चूसता है और पत्ते पोते बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और पत्तियाँ ऊपर से सिकुड़ जाएगी, मुरझा जाएगी, उसका प्रकोप होता है। और अभी जो मौसम का बदलाव हो रहा है, इसमें माइट्स का प्रकोप दिख रहा है। जो चींटी होती है, एक माइट्स होती है, वो भी पत्तियों से, फूलों से, सभी से, कोमल पार्ट से रस चूसती हैं, छून करके वो नुकसान पहुँचाती हैं। और दूसरा एक होता है मैगट, बल्ब मैगट होता है, जो कि प्याज के कंधे को भी, टहनियों को भी, उतना होते हैं उसको खा करके काफ़ी नुकसान पहुँचा जाता है। और रही बात बीमारी की, तो यहाँ पर मुख्यतः दो तरह की बीमारियाँ लगती है। एक होता है बैंगनी धब्बा, तो जैसा कि नाम ही बैंगनी है, पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे बनेंगे और उससे भी काफ़ी होता है कि उससे काफ़ी नुकसान होता है और पौधे की बढ़वा रुक जाती है, पौधे कभी कभी अधिक प्रकोप होने मुरझा जाते हैं, उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। और एक होता है अंगमारी, उसमें पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे बनते हैं, जो नारंगी रंग के भी हो जाते हैं, बाद में धब्बे मिलकर बड़े हो जाते हैं, पत्तियों के दोनों सतहों पर भी दिखते हैं वो, और उससे भी काफ़ी वो नुकसान होता है। तो ये तरह इसी तरह से मतलब तीन चार तरह की बीमारियाँ लगती है। प्याज की फसल को यदि रोग मुक्त रखना है तो इसके लिए ये आवश्यक है कि इसकी तैयारी शुरू से ही की जाए। इसके लिए बेहतर होता है कि खेत की तैयारी करते वक्त किसान भाई अपने खेतों में पोटाश का प्रयोग करें। यदि वे 60 किलो प्रति हेक्टर की दर से अपनी भूमि पर पोटाश का प्रयोग करते हैं तो पौधों में रोग और कीटों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। रोग और कीटों से बचाव में बीज उपचार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जब किसान भाई अगर बीज लगाते हैं तो पहले बीज उपचार करें। एक आता है ट्रोगोडर्मा वेरिडी, उसकी 5 kg ले लें, एक हेक्टेयर के लिए मैं बता रहा हूँ, और उसको कंपोस्ट जहाँ रखे हैं आप मिला करके छायादार में आप रख दीजिए। जितना एक हेक्टेयर में कंपोस्ट आप जितना भी डाल रहे हैं उसमें मिला दीजिए, और मिलाने के उपरांत आप उसको खेतों में बिखेर दीजिए। इससे क्या होगा कि बहुत सारी बीमारियाँ जो शुरू में ही रुक जाएगी। किसान भाइयों, प्याज में लगने वाले थ्रिप्स नामक कीट से बचाव के लिए बिचड़े लगाने से पहले क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवा से उपचारित करना बेहतर होता है। इसके बावजूद यदि खड़ी फसल में इनके लक्षण दिखाई देते हैं तो किसान भाइयों को नीम से निर्मित दवा के घोल का छिड़काव कर देना चाहिए। इससे इनके नियंत्रण में काफी मदद मिलती है। प्याज की फसल में यदि बैंगनी रंग के धब्बे नजर आने लगे तो इसका मतलब है कि इनमें बैंगनी धब्बे रोग का प्रकोप हो गया है। अतः इससे बचाव के लिए जिनेव नामक दवा के 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिलाकर उसके घोल का छिड़काव करना चाहिए। दूसरा जो अंगमारी बीमारी है, जिसमें पीले रंग के धब्बे बनते हैं, जो नारंगी रंग के धब्बे बनते हैं, तो अगर उसका प्रकोप दिखता है तो किसान भाई टिल्ट की है 2% का छिड़काव करें, उससे भी उस काफ़ी बचाव होता है। तो अब रही 2 बीमारियाँ, बाकी मुख्यतः हमारे राज्य में खास करके मौसम बदल रहा है, इस प्रकोप से थ्रिप्स का प्रकोप बहुत होता है। थ्रिप्स तो बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पौधे की बढ़वार हो जाती है, उनसे उनका बचाव करना बहुत जरूरी है। किसान भाई यदि जैविक पद्धति से अपने प्याज की फसलों को रोग एवं कीटों से बचाना चाहते हैं तो वे बिचड़े को प्रोवोडर्मा वेरिडी से उपचारित करें। इसके अलावा खड़ी फसलों में यदि मैगट जैसे कीट का प्रकोप नजर आए तो वे नीम या करंज की खल्ली का इस्तेमाल करें। और खेत की सफाई बहुत जरूरी है, घास उससे साफ रहना चाहिए खेत, इससे भी क्या होता है कि बहुत सारे कीड़े का प्रकोप नहीं होता है। कभी कभी प्याज के फसलों में आजकल देखा जाता है कि एक हेरी कैटरपिलर है, उसका ही प्रकोप हो जाता है, भुआ पिल्लू जो है आजकल वो भी अपना स्वभाव बदल रहा है। तो ऐसे परिस्थितियों में अगर खेत साफ रहेगा तो उसको चिड़ियाँ भी चुन कर खा जाएगी आराम से, और आपको दिखेगा कीड़ा, उसको आप पकड़ करके कहीं दबा भी सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। और जब आपको थ्रिप्स का प्रकोप दिख रहा है तो नीम से निर्मित दवा डालें, और हमारे ये पूरा जैविक ही होगा। प्याज की खेती करते वक्त इस बात पर ध्यान देना भी अति आवश्यक होता है कि इसके खेत में जरूरत से ज्यादा जल ना हो, इसकी वजह से भी पौधों में कीट एवं बीमारियों का खतरा बढ़ता है। अतः मात्रा अनुसार जल से भूमि को सिंचित करने से बहुत से कीट एवं रोगों से पौधों को बचाया जा सकता है।